हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आज आप सबके सामने तंदूरी चाय बनाने की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तंदूरी चाय बनाना जितना ही आसान है और पीने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी नॉर्मल चाय, जैसे आप जो भी बनाते हैं, चाय मसाला डाल के चाहे बिना मसाला डाल के, आप उसको बना सकते हैं। जब मैं ये चाय बना रही हूँ, अदरक और इलायची डालकर, और फिर उसको हम तंदूरी चाय के रूप में बनाएंगे। चाय बनाने से पहले इसके लिए हमारे को एक मिट्टी का कूलर चाहिए, जो हमें किसी भी कुम्हार की दुकान से मिल जाएगा, और हमें उसको अच्छे से गैस पे ऊपर गर्म करना पड़ेगा। यूजुअली इसको तंदूर में गर्म करते हैं, बट हम इसको घर में अपने गैस पर ही गर्म करेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको गर्म करेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, और साथ में साथ हम अपनी चाय बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। चाय हम अपने स्वाद अनुसार बनाएंगे। इसके लिए हम 1 से 1.5 कप पानी लेंगे, इसके अंदर अदरक और छोटी इलायची डालेंगे, और फिर इसको उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसके अंदर चाय पत्ती, और चाय पत्ती डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक हम पकाएंगे। जब हमारी चाय पत्ती पक जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध हम अपने स्वाद अनुसार, नहीं तो इस चाय में थोड़ा सा दूध ज़्यादा डलता है, तो हम 1.5 से 1 कप के करीब दूध डालेंगे इसके अंदर, और फिर हम चीनी स्वाद अनुसार डालकर इसको हम पकाएंगे। 1 से 2 उबाल आने के बाद हमारी चाय बनकर तैयार हो जाएगी, और फिर हम इसको छानकर अलग से रख लेंगे। तब तक हम अपने कूलर को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और उसको एक किसी भी बर्तन के अंदर हम कूलर गरम गरम कूलर को रखेंगे, और उसके अंदर हम अपनी जो हमने चाय तैयार करी थी वो डालेंगे। आप देख सकते हैं कि चाय कैसे उतर कर बाहर आ रही है। जितना ही हमने मिट्टी के कूलर को गर्म किया था, उसका उतना ही सादा फ्लेवर इस चाय के अंदर आ जाएगा, और जब इसकी झाग पानी बंद हो जाएगी, तब हम इसको एक बर्तन में निकाल कर और अपने कूलर में या किसी भी चाय के कप में आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये हमारी टूना की मशहूर तंदूरी चाय तैयार है।